अंकल ने पूछते ही बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया जैसे कि मुझे पढ़ना लिखना आता हो। अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं इनसे ही क्यों पूछता। फ्रेंड हम दोनों में ना ज्यादातर अलीगढ़ आते ही लड़ाई हो जाता है। अभी आ गई तू अपनी औकात दिखाता अलीगढ़ में आके अपनी औकात ना। अबे एक बात बता फ्रेंड, आज ससुराल नहीं गए, सीधे मैं अपने घर पे आई हूँ। ट्रेन में भाई सीट तलक ना मिलती यार। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। हम लोग आज अलीगढ़ निकलने वाले थे तो नूतन की ना बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। रात से उसकी तबीयत खराब है। सुबह में तो आ गया उसको बुखार, पीछे गुर्दे पे उसके ना फोड़े टाइप के से निकल रहे हैं, उनमें ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब यहाँ से कल विकास नगर से दवा लेके आए थे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। रात ही मैंने एक एक खुराक खवा दी थी उसको और अभी भी गोली खवानी है। अभी मैं बोल रहा था चल बच्चे अलीगढ़ के लिए चल रहे हैं, बोल रही है मुझ पर बैठा नहीं जाएगा गाड़ी पे। अभी मैं नूतन को दवा खिला देता हूँ, फिर निकलते हैं अपने अलीगढ़ के लिए। फ्रेंड इनकी मम्मी की कॉल आ रही है, अब पूछता हूँ क्या कहेंगे। हेलो, हाँ बताओ। सो रही है नूतन? हेलो फ्रेंड, अभी जल्दी से ना निकलते हैं यहाँ से क्योंकि सहारनपुर से ना 9 बजे की ट्रेन है। अगर वो भी ट्रेन निकल गई तो बाद में कोई ट्रेन नहीं है। जल्दी आ फ्रेंड। यार पोपट हो गया हमारे साथ, पराठे रह गए घर पर ही। अब काफी दूर हम आगे रास्ते में चल गए और इसकी जो दवा है अब वो खाने के बाद की। बच्चा जाके लिया और कोई मोटरसाइकिल वगैरह आया था, अब बैठ जाऊंगा यार। अरे बस आ रहा हूँ अभी यार। कपड़ा तो नहीं घूमते रहे हम। ग्रैंड रूम पे तो आ गया मैं, तो परांठे लेके चलता हूँ क्योंकि नूतन बैठी है अकेली। कहीं भी जाते हैं तो अपना घर से बना के लेके जाते हैं, सफर में कहीं भी निकलते हैं तो। यार अभी आवाज आई थी मुझे अजीब सी, जैसे कोई रो रहा हो। परांठे और अचार रखा था मैंने, अभी मैं तो मैं यही भूल गया हड़बड़ी में, जल्दबाजी के चक्कर में परांठे तो यही भूल गए, रास्ते में जाके याद आई। यार अगर नूतन की दवा ना होती ना, अगर उसका तबीयत तबीयत ठीक होती तो मैं पराठे लेता नहीं, फिर ये कुछ तबीयत खराब है। फ्रेंड चलते हैं नूतन की तरफ। टाइम तो कुछ ज्यादा नहीं लगा मुझे, ऐसा 15 मिनट लगी थी यहाँ तक आने बस। स्टेशन पे तो आ गए और ट्रेन पूछ लें ट्रेन के बजे की है दिल्ली के लिए। अंकल दिल्ली के लिए है अभी कोई? अंकल ने पूछते ही बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया जैसे कि मुझे पढ़ना लिखना आता हो। अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं इनसे ही क्यों पूछता। तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, इनकी माँ आ गई, बच्चे की भी माँ आ गई और पिल्लों की भी माँ आ गई। हाँ आएगी यार वो 10:40 आएगी 4 नंबर पे। फ्रेंड नूतन को खानी है दवा और पानी है नहीं है अपने पास। ले पकड़, दवा दे रहा हूँ अभी। 6:53 गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस वाया जगाधरी अंबाला कैंट लुधियाना जलंधर कैंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसमें सोने के लिए गई कि इसको रात दर्द बहुत ज्यादा, तो सोची मैंने सोचा 8 घंटा इसको आराम करवा दूं, पर वो आ गए कि गाड़ी लॉक कर रहे हैं। लिख लो भाई लिख लो, अपनी गाड़ी आने वाली है अभी। अपनी सहारनपुर से न्यू दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ चुकी है गाजियाबाद। फ्रेंड सीट तो मिली नहीं क्योंकि पूरी गाड़ी फुल है। अब मैंने नूतन को ऊपर बैठा दिया जहाँ बैग रखे जाते हैं, क्योंकि वहां सीट नहीं है, लोहा है, तो वहां भी इसको प्रॉब्लम होगी। कम्फर्टेबल फील ना रहो ना। सबसे ज्यादा मेरे पीछे दिक्कत है और ये देख रहा है, ये कोई बैठी हुई है यार। अब नीचे होती तो मैं नीचे पक्का सीट दिलवाता, अब नीचे सारी घिरी हुई है यार। बता ट्रेन जो है दिल्ली से पीछे रुकी पड़ी है, देखो लाल किला की दीवार है इधर। 4 बजे की अलीगढ़ की ट्रेन है दिल्ली से और ये अभी पहुंचा है कि नहीं देरी बताओ। 4 बजे लेगी, 4 बजे। अंकल को बजे ज्यादा ही जल्दी है, देखियो ट्रेन में सवाल ओ भाई। फ्रेंड सीट वीट का तू इतना गाड़ी के बैठ। फ्रेंड सहारनपुर से दिल्ली तो आ चुके, अब दिल्ली से जाते हैं अपने अलीगढ़ के लिए, पर ये दूसरी ट्रेन है इसमें भी सीट नहीं मिली हम लोगों को।
फाइनली हम लोग अलीगढ़ पहुंच चुके हैं, ये सारे पैसेंजर यहीं पे उतरेंगे आगे। एक घंटा में पहुंचा दे, इतनी सुपर फास्ट चली है ये, दिल्ली से और अलीगढ़ को एक घंटा को सफर करो। जम फ्रेंड जनरल डिब्बा ना ये को, हम स्लीपर में घुसे आए और टिकट और नाम पे। फ्रेंड यू चाय वाले भैया हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोवर निकले। यूट्यूब पे ब्लॉग देखते हो? ब्लॉग देखता हूँ, सब देखता हूँ। अब तुम ब्लॉग में आओगे? इतनी देते ये चाह रहे इनकी वीडियो बना ले, ताकि ये ब्लॉग में आए हमारे, ये बनाना रहा मैंने बनवाई है, बड़े खुश है वीडियो बनवा के। फ्रेंड यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट के लिए बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि टिकट विकट चेक करते हैं ना टीटी, वो अपने अपने ऑफिस में चले जाएंगे। हमारा जनपद अलीगढ़ जंक्शन, टीटी मिला था नौकरी भैया, टिकट लेवे जा रहे हैं दिल्ली जाना, हमें पलंग आए रोडवेज बस स्टैंड में आते हैं। ठीक है मैं संभाल लूंगा, तू कचू मत कही, तू शांतिपूर्वक भूमि बन के खड़ी रही है। हाँ फ्रेंड टीटी तो फाइनली कोई नहीं मिला है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए, यहाँ से ऑटो करके अब पहुँच रहे हैं घर के लिए। ट्री वाले भैया ने हमें किशनपुर त्राय पे छोड़ दिया है, यहाँ से अपने घर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड हम दोनों ने ना ज्यादातर अलीगढ़ आते ही लड़ाई आ जाता है। अभी अपनी औकात दिखाता अपनी औकात ना। अब एक बात बताओ, मैं ट्री में वीडियो बना रहा हूँ, बैग उतार जाए उतार, अब हड़बड़ी तो तू खुद करते है ना। जा बोले फ्रेंड यहाँ पे आने की देर ना भाई, आपको भैया मोटरसाइकिल लेकर बहुत चलो आए हो, देख रही है ले तो कहाँ पे आए हो। नूतन तो बैठी लद से दिन बोल के मैं कहा बैठू, मुकू तो जगह ही ना है। फ्रेंड आज ससुराल नहीं गए, सीधे मैं अपने घर पे आई हूँ। फ्रेंड हम जब भी आते हैं ना, तो आने से पहले हमारे चेहरे को पता चल जाते हैं, तो अम्मे बाबू ले जा रहा हूँ। ठीक है तो फ्रेंड घर पे तो भी आ गए, यहाँ तो ढकेल वकेल का चुना कहाँ गिरे सबरे, ताला भी लग रहा है यार। अभी देखते हैं फ्रेंड क्या पता चलता है यहाँ से, ना तो ढकेल है और ताला भी लग रहा है घर पे। कहाँ गए किधर? हाँ हाँ कोचिंग हटका है। हाँ कोचिंग का भाई मैं रह रहा हूँ। कब चले गए यहाँ से खाली करके, पता भी ना चली है गए होने, 6-7 दिन है गए। बताओ यार फोन करके अभी ना बनाई बताई, और 6-7 दिन है गए यहाँ तक खाली करे, 6-7 दिन है गए घर खाली करे पर फोन करके बताई भी ना हमें। फ्रेंड यार ढकेल तो मिल गई, अब इन्हें ढूंढो ये कहाँ है। अरे यार घर को नंबर कोई लाइन पे लगाई हुई ना, वो घर का खाली करके जन काम लग गया, उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं यार, ढकेल तो मिल गई। और ये दिख ना रही किधर है, कोचिंग में कमरा ले रहा हो। अरे रुक जा बैठा रहे, रुक जा कैसे आपत काट रहे है। अरे यार आ गई बैठे भाई, ले अपने दोस्तन थे बहुत दिन तेना मिलो होगा तू, बेचारे आती का पूछ रहे, ये ले तेरे बाकल, तेरे बालक है ये बेचारे। मेरा बच्चा, ओए मेरा कुत्ता, मेरा कमीन, मुझे खेल भी नहीं रहा। फ्रेंड मैंने से रोटी तो खिला दी है, रोटी से ने ज्यादा नहीं खाई, एक दो रोटी खाई है। बोली थी खाई फ्रेंड में, नूतन वूतन की सिकाई करवा दी और बहुत ज्यादा थक गए हम लोग ट्रेन में भाई, सीट तलक ना मिलती यार, और सुबह को आपको जल्दी लेके जाना है और दवा दिलवानी है और अल्ट्रासाउंड भी करवाना है अपने बच्चे का। तो आज की वीडियो में ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, जय श्री राम, बाय बाय।